रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अनकॉमन शूज़ के बारे में। सही है, पहले इससे पहले जितनी मैंने वीडियोस बनाई वो ज़्यादातर कॉमन शूज़ के बारे में होती थी और उस पर अर्निंग के बारे में था कि कितनी कितनी अर्निंग होती है। सही है, लेकिन हम अब बात करने वाले हैं अनकॉमन शूज़ के बारे में। सही है, अब देखिए बात सीन ये है कि अनकॉमन शूज़ में जाहिर सी बात है कि अर्निंग ज़्यादा है क्योंकि प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा है। अभी अगर आप जाएंगे स्टेपन की ऐप में तो आप जाके देखेंगे तो आपकी जो अनकॉमन शूज़ की जो प्राइस है ना, इस वक्त सबसे जो कम वाला शूज़ है मैं आपको बताता हूँ, उसकी प्राइस ना ना करते हुए ना 25 से 30 सुलाना होगी, जिसमें शूज़ भी मिंट हुए होंगे एक दो। सही है, तो अनकॉमन शूज़ की प्राइस मैं आपको बता चलूँ। सबसे पहले आप जाएँ स्नीकर्स में, जाएँ फ़िल्टर लगाएँ अनकॉमन का। अब देखें लोएस्ट प्राइस भी जो इसकी आ रही है वो 26 सुलाना इस वक्त आ रही है, मतलब जिसमें दो शूज़ मेंट किए हुए हैं और लेवल 5 तक है। सही है, तो ये लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस आ रही है जो इस वक्त है। सही है, तो जाहिर सी बात है महंगा है तो अर्निंग भी ज़्यादा होगी। नॉर्मली जो कॉमन शूज़ मिलता है वो आपको 10 सुलाना का अच्छा शूज़ मिल जाता है जो कि मिंट नहीं हुआ होता। सही है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सीन क्या है। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो जितना आपका हायर लेवल का शूज़ होगा तो एट्रीब्यूट भी उतना ज़्यादा होगा। तो अनकॉमन शूज़ का जो एट्रीब्यूट है वो 8 है। इसके अलावा अनकॉमन शूज़ में जो है ना, जो लेवल अप करने के जो पॉइंट्स मिलते हैं ना वो 6 मिलते हैं। सही है, मतलब जिस तरह हम कॉमन शूज़ में लेवल को अपग्रेड करते हैं तो उसमें पॉइंट्स जो है ना मुझे मिलते हैं 4, इसमें 6 मिलते हैं। और मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़े दिनों बाद एक अनकॉमन शूज़ को बाय करूं और उस पर पूरे ट्यूटोरियल्स बनाऊं। अभी थोड़ी सी अर्निंग मेरी इतनी नहीं हुई, पहले मैं अपनी जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करना चाह रहा हूं। वो रिकवर हो जाती है तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक अनकॉमन शूज़ लूँ और उससे फिर आपको मज़ीद अच्छी तरीके से गाइड कर सकूँ। ये तो था अनकॉमन शूज़ के बारे में। अब इसकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि एनर्जी में अनकॉमन शूज़ का क्या सीन है। सही है, सबसे पहली बात है एनर्जी की। एनर्जी में आपको पता है जैसा कि आपके पास एक स्नेकर होगा तो आपको 2 एनर्जी मिलेगी, 3 स्नेकर होगा तो 4 एनर्जी मिलेगी। अब बात करते हैं अनकॉमन स्नेकर की। अगर आपके पास एक अनकॉमन स्नेकर होगा तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी आपको। सही है, यानी कि जहाँ पर आपकी एनर्जी थी पहले 1-2, वहाँ पर अब आपकी 3 होगी। सही है, तो ये बात तो क्लियर होगी कि अगर आपके पास एक अनकॉमन स्नेकर है और एक कॉमन स्नेकर है तो आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी 3। वैसे अगर आपके पास सिर्फ 2 स्नेकर है तो आपको सिर्फ 2 ही एनर्जी के पॉइंट मिलते हैं, इसमें आपको टोटल 3 मिल जाएंगे। सही है, अगर आपके पास 2 रेयर स्नेकर है और एक कॉमन स्नेकर है तो टोटल 8 मिल जाएंगे, यानी कि बोनस पॉइंट मिलते हैं। और एक अगर कॉमन है एक अनकॉमन है तो आपके पास टोटल एनर्जी के 3 पॉइंट मिलेंगे, तो एनर्जी का एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, तो यानी आपकी अर्निंग वहीं से बढ़ जाती है। अब इसकी ना बात करते हैं अर्निंग के बारे में। अगर आपकी स्टेप इन ऐप में बिल फर्ज अगर आपके पास अनकॉमन शूज़ है, सही है, अनकॉमन शूज़ है, वॉकर है, लेवल उसका है मैं कर देता हूँ 10, नॉर्मली मैं 10 कर देता हूँ क्योंकि 10 से ज़्यादा जितना आप ऊपर करना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है। और एनर्जी आपको 3 मिलते हैं क्योंकि उसमें ना आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है एनर्जी का, सही है ना, बोनस के तौर पे, तो उसमें आपकी कितनी अर्निंग होगी। सही है, मैं आपको बता चलूँ, 10 पे नॉर्मली जो लेवल होता है ना अनकॉमन के साथ वो होता है 50 हम कर देते हैं, 10 में एफिशिएंसी और रिजाइलेंस हम कर लेते हैं 20 और इसको हमने कर दिया 18 कर देते हैं। सही है, तो इसमें टोटल जो हमारी अर्निंग है वो है 15। सही है, प्रॉफिट जो है 15 है, लेवल कितना है 11 है। सही है, अब मैं लेवल बढ़ा देता हूँ, बिल्कुल मैं 20 करूँगा, अगर मैं इसको मैं 19 कर देता हूँ, 19 फ़िलहाल मेरे पास जो कॉमन स्नेकर है उसका मेरा लेवल 19 है, मैं 19 करता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं 80 90 कर देता हूँ 5 की एवरेज से, क्योंकि इसमें 6 पॉइंट मिलते हैं हर लेवल पे। सही है,
तो ये मैं इसमें कर दिया। तो अगर रिजाइलेंस मेरे पास 20 भी है तो मैं डेली की अगर मेरी रिपेयर की कॉस्ट 4 आती है तो मुझे 21 GST मिलते हैं। तो 21 GST का मतलब, 21 GST का मतलब है तकरीबन, अगर अभी GST $4.50 का है तो $100 आराम से मेरे बन जाएंगे, $90 के करीब करीब, $95 के इतने मेरे आराम से बन जाएंगे। सही है, तो ये है जी अनकॉमन शूज़ की अर्निंग डेली की, सही है, जो कि मिलती है। अब स्नेकर आपके पास एक कॉमन होना चाहिए, एक अनकॉमन, तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। और उसमें ना मिंटिंग का चांस भी है कि अगर आप मिंट करते हैं तो आपका अनकॉमन स्नेकर निकल सकता है।